राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 53 में बरका गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि नागपुर से पश्चिम बंगाल जा रही ट्रक की चपेट में कार आने से कार सवार 2 युवक और ट्रक चालक तीनों घायल हुए हैं। ट्रक और कार की भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वीडियो से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितना भयानक हादसा था। घटना की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि आज प्रातः थाना लालबाग क्षेत्र में बरगा के पास में भारी मूसलाधार वर्षा के समय में एक मिर्ची से भरा हुआ ट्रक आ रहा था जो कि वेन्यू कार से टकरा गया है। तो वेन्यू कार और ट्रक जो कि पलटी हो गया, उसका ड्राइवर जख्मी है और वेन्यू कार में 2 लोग जख्मी है जिसमें से एक की हालत अभी गंभीर है। टोटल 3 लोग इसमें जख्मी है और ट्रकों को साइड करके आवागमन को सुचारू कर दिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। टीसीपी 24 न्यूज के लिए राशन गांव से संवाददाता विपुल कनेक की रिपोर्ट।